हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती 2022 के लिए संविदा और प्रतिनियुक्ति दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम सभी के लिए पोस्ट टोटल 24 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें व्याख्याता शिक्षक और भी पोस्ट टोटल 24 पोस्ट निकाले गए हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों जिलों को कवर करेंगे। इसका आवेदन पत्र आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भरने हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसी प्रकार से वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम कार्यालय स्वामी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सुकमा जिले के लिए देख लेते हैं। जो भी पोस्ट निकाले गए हैं इसमें सुकमा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल पावारा सुकमा कोंटा और छिंदगढ़ के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें संविदा प्रतिनियुक्ति दोनों के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसके लिए आपको आवेदन 20/5/2022 तक स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा के एड्रेस पर आपको इसमें भेजने होंगे। अब हम इसमें पदों का विवरण स्कूल के अनुसार देख लेते हैं। इसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम वाणिज्य और सामाजिक विज्ञान के लिए एक एक पोस्ट है। इसमें 3 स्कूल दिए गए हैं, कोंटा, छिंदगढ़ और पावारास। इसमें आप स्कूल के अनुसार पोस्ट देख सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन अंग्रेजी माध्यम में पीजी पास होना चाहिए 50% अंक के साथ और बीएड की प्रशिक्षण उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए एक एक पोस्ट है। अनारक्षित के लिए इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 अंग्रेजी माध्यम 50% अंक के साथ पास होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और 3 वर्ष का कार्य का अनुभव इसमें होनी चाहिए। इसके बाद सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित के लिए एक पोस्ट निकाले गए। इसमें 10+2 अंग्रेजी माध्यम पास होनी चाहिए और इसके बाद डीएड डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया सहायक ग्रेड 2 के लिए भी एक पोस्ट निकाले गए अनारक्षित के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पास हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण पास होनी चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा होनी चाहिए और इसमें हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा जिसमें आपकी गति 5000 गति प्रति घंटे की होनी चाहिए। इसके बाद इसमें 5 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होनी चाहिए। सुकमा जिले में यह सभी पोस्ट निकाले गए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन और पोस्ट बता दिए गए हैं। आप स्कूल के अनुसार इसमें पोस्ट देख लें, जिसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं आप उसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश देख लेते हैं। इसमें जो भी अंग्रेजी माध्यम के पोस्ट है उसमें आपका अंग्रेजी माध्यम होनी चाहिए संपूर्ण शिक्षा। इसके बाद इसमें आपको अभ्यर्थी जो आवेदन कर रहे हैं इसमें आपको स्कूल का प्राथमिकता का क्रम देने होंगे आवेदन पत्र में। इसमें सुकमा जिले के निवासी जो हैं उन्हें 5 अंक बोनस के आधार पर दिए जाएंगे। इसमें आपका सभी पोस्ट के लिए चयन शैक्षणिक योग्यता 70% लिए जाएंगे। इसके बाद स्थानीय निवासी को 5 अंक, फिर अनुभव का 10 अंक और साक्षात्कार इसमें 15 अंक का हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सहायक ग्रेड 2 पद के लिए केवल सुकमा जिले के स्थानीय निवासी पात्र होंगे। उनकी चयन इसमें 80% शैक्षणिक योग्यता लिया जाएगा और 20 अंक का टाइपिंग कौशल परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। इसके बाद यह सब इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 के अनुसार न्यूनतम 21 और 35 वर्ष होनी चाहिए, यह इसकी आयु सीमा की गणना दी हुई है। इसके बाद आपका यह सब इंपॉर्टेंट निर्देश दिया है आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आवेदन पत्र आपको यह दिया हुआ है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसमें आवेदित पद का नाम पहले लिखना है, विषय लिखना है, माध्यम लिखना है, फोटो स्वप्रमाणित करके लगाना है, फिर आपको विद्यालय का क्रम आपको लगाने हैं। अलग अलग विद्यालय के लिए पोस्ट नहीं भरने हैं। इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी फिल कर देंगे, शैक्षणिक योग्यता लिख देंगे, अनुभव का विवरण दे देंगे, नियुक्ता संबंधित जानकारी दे देंगे, फिर संलग्न प्रमाण पत्र की यह सूची दी हुई इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने होंगे और आप इसके एड्रेस पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेजने हैं। इन सभी का पीडीएफ का लिंक आपको अलग अलग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट जिले के लिए देख लेते हैं क्या पोस्ट निकाले गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर के लिए। इसमें भी आपको 20/5/2022 तक 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत स्वयं उपस्थित होकर आपको जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर में आपको अपना आवेदन पत्र भेजने हैं। यह पोस्ट प्रतिनियुक्ति का विज्ञापन है। आप ध्यान रखेंगे पहले वाले पोस्ट संविदा के लिए विज्ञापन थे। इसके बाद इसमें हम पदों का विवरण देख लेते हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट निकाले गए हैं, इसमें व्याख्याता के पोस्ट निकाले गए इन सभी के लिए, फिर शिक्षक के पोस्ट हैं, इसके बाद प्राथमिक शाला के पोस्ट हैं और इसके लिए यह क्वालिफिकेशन सेम रखी गई है। इसके बाद प्रयोगशाला सहायक के लिए भी पोस्ट हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट निकाले गए हैं व्यायाम शिक्षक, ग्रंथापाल और सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट हैं। टोटल 13 पोस्ट निकाले गए हैं। इन सभी पोस्ट की भर्ती प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पोस्ट के लिए नारायणपुर जिले के इस एक शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम हेतु निम्नानुसार अस्थायी रूप से शिक्षकी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पूर्ति की जानी है। इसमें प्रतिनियुक्ति हेतु शाला की आवश्यकता के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी में से योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें अंतिम तिथि ध्यान रखेंगे 20/5/2022 रखी गई है। इसके लिए आवेदन पत्र इसी PDF में लास्ट में दिए गए हैं या आपको आवेदन पत्र भरने हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप वहां से जाकर अलग अलग आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।